भारत देश हिंदुओं का देश है। कि जो लोग धर्म को लेकर राजनीति खेल रहे हैं इसको रोकना है। उन्हें ये जानना होगा कि वो किसके पुत्र हैं और उन्हें ये चीज समझ में आना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जैसे मायावती का हाल हुआ है यहाँ, वैसे उनका हाल वहाँ होने जा रहा है महाराष्ट्र में, जनता कर देगी। और हिंदू का देश है और हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा तो क्या किया जाएगा यहाँ पे? महाराष्ट्र में अब हनुमान चालीसा पढ़ने पर अमरावती की जो सांसद है उनको गिरफ्तार कर लिया है। सवाल इस बात का है कि क्या इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ना पाप है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हिंदुओं का देश है और भारत देश हिंदुओं का देश है और हमें नहीं लगता है कि हिंदुओं के इस देश में, हिंदुस्तान में, जिसका नाम है हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कोई हनुमान चालीसा और रामायण पढ़े तो उसको गिरफ्तार किया जाता। ये शर्मनाक घटना है शिवसेना सरकार द्वारा। और हम नौजवान, काशी के नौजवान, एक धार्मिक नगरी है, यहाँ के सारे नौजवान एकजुट होकर हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं और सरकार से की आलोचना करते हैं और मांग भी करते हैं साथ ही साथ कि तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर के सारे मुकदमे को वापस लेके उनको रिहा करने का काम करें। क्या लगता है कि सियासत पर अब आस्था पर सियासत भारी होती जा रही है क्या? अब तो देखने से यही लग रहा है कि जब गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सरकार हमारी है और हिंदू का देश है और हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा तो क्या किया जाएगा यहाँ पे? और यहाँ पे जो किए सरकार गलत किया, हम उसका बहिष्कार करते हैं। इस गिरफ्तारी के पीछे आपको क्या समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सियासत है या वाकई उनको टारगेटेड किया जा रहा था? नहीं, हनुमान चालीसा के बहाने ये टारगेट किया जा रहा है। आखिर में ये हिंदुओं का देश है तो हनुमान चालीसा लोग नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मुस्लिम तो जो है नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी माइक में, उस पर तो कोई नहीं कोई एक्शन ले रहा है। ये हिंदुओं का देश है, हनुमान चालीसा पढ़े कोई रामायण पढ़े उससे क्या किसी को फर्क पड़ने वाला है? सीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पर इसी वजह से गिरफ्तार कर दिया गया या फिर आपको कुछ और लगता है इसके पीछे? अब ये तो अच्छा ठीक है, कोई नहीं। हाँ, आपको लगता है कि सिर्फ ये राजनीति है या फिर वाकई हनुमान चालीसा को पढ़ने उनकी ये सरासर राजनीति है? बस ये राजनीति है कि यहाँ मतलब जो निचले दल के लोग हैं इनको खुश करने के लिए कि भाई मतलब पढ़े, मुस्लिमों को खुश करने के लिए कि हनुमान चालीसा पढ़ लिए तो इनको गिरफ्तार कर लें तो बस खुश हो जाएंगे। ये सरासर राजनीति खेला जा रहा है, बस और कोई बात नहीं खेला जा रहा है। अमरावती की सांसद को सीएम आवास के बाहर महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर गिरफ्तार कर लिया गया, अब क्या हनुमान चालीसा भी आप इस देश में पढ़ने पर गिरफ्तारी होगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज इसमें पहले जानना है कि जो लोग धर्म को लेकर राजनीति खेल रहे हैं इसको रोकना है, क्योंकि हर धर्म का अलग अलग अपना मत होता है, कोई भी कैसे भी रहे कैसे भी करे, ठीक। और उसके बाद अगर धर्म मान लीजिए धर्म केवल एक है सनातन, ठीक, और ये जो छोटे छोटे धर्म हैं, मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, एक प्रकार के संप्रदाय हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। ये हनुमान सवाल इस बात का है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से महाराष्ट्र सरकार को इतना ऐतराज क्यों है? इसमें भी राजनीति है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि अगर जिस प्रकार के वैसे नेता रहेंगे जिनको उससे प्रॉब्लम होगी तो उस प्रकार की राजनीति खेलेंगे ताकि आप उसको राजनीति खेलेंगे। क्या नजर आता है कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई नवनीत राणा उनके पति की, इसके पीछे की क्या मंशा आपको समझ में आ रही है? तुष्टिकरण है, तुष्टिकरण की राजनीति है, मुसलमानों को खुश करने के लिए एक वोट बैंक की राजनीति है। देखिए, योगी जी हमारे कभी वोट बैंक, उद्धव ठाकरे खुद बाला साहब ठाकरे के पुत्र है और बाला शिवसेना की जो बुनियाद है वो हिंदुत्व के मुद्दे पे टिकी है, बावजूद उसके हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा मसला हनुमान चालीसा है। वो अस्तित्व, वो अपने पिताजी का अस्तित्व खो रहे हैं बाला साहब ठाकरे का। उन्हें ये जानना होगा कि वो किसके पुत्र हैं और उन्हें ये चीज समझ में आना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जैसे मायावती का हाल हुआ है यहाँ, वैसे उनका हाल वहाँ होने जा रहा है महाराष्ट्र में, जनता कर देगी। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।